रीजनल पार्क में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। यहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दो लड़कों के साथ तीन लड़कियों को एकांत में पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे महू की रहने वाली हैं और सुबह स्कूल जाने के बहाने लड़कों के साथ पार्क आई थीं। इतना ही नहीं, इन्होंने रास्ते में स्कूल की ड्रेस चेंज की थी, जबकि लड़कों ने मेडिकल से कंडोम का पैकेट खरीदा था। बजरंग दल ने पुलिस को सूचना देकर पांचों को उनके सुपुर्द कर दिया। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बजरंग दल के 20 से 25 कार्यकर्ता रीजनल पार्क पहुंचे। यहां वे पार्क के एक कोने में पहुंचे और वहां बैठी तीन लड़कियों और दो लड़कों को घेरकर पार्क के बाहर ले आए। लड़के लड़कियों इस तरह लेकर आता देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद सभी के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब इनसे पूछताछ की तो लोग हैरान रह गए। इन्होंने बताया कि वे तीनों बहनें हैं और महू में रहती हैं। वे सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं और फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने के इरादे से इंदौर आ गईं। कोई हमसे पूछताछ और पहचान नहीं सके, इसलिए हमने रास्ते में कपड़े बदल लिए थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी दूसरे समुदाय के दो लड़के तीन लड़कियों को लेकर महू इंदौर की ओर रवाना हुए हैं। सूचना पर हमने अपने कुछ साथियों को उनका पीछा कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। राव के पास इन लड़कियों ने एकांत देख अपनी स्कूल की ड्रेस बदल ली। इसी दौरान इन लड़कों ने मेडिकल से कंडोम खरीदा। इसके बाद तीनों वहां से इंदौर के लिए रवाना हो गए। यहां ये रीजनल पार्क में पहुंचे और एकांत में जाकर बैठ गए। इनकी गतिविधियों को देखकर ही हमने इन पर नजर रखी थी और फिर पुलिस को बुलाकर इन्हें उनके हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि लड़कियों के परिजनों को भी हमने सूचना दे दी है। पुलिस के अनुसार लड़के लड़कियां स्कूल में पढ़ते हैं और घूमने के इरादे से यहां आए थे। सभी को थाने ले जाया गया है। पूछताछ के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।